हेलो गाइज, वेलकम टू स्पीडी व्हील्स। आज हम लोग बात करने वाला है यामा रे जेड आर के बारे में, जो एक बेसिक स्कूटी है यामा के तरफ से। सो इस वीडियो में हम इस बाइक के प्राइस और सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को पूरा वर्कअराउंड भी मिल जाएगा इस स्कूटी के। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये है यामा का रे जेड आर DA6 वेरिएंट। फ्रंट में डिस्क है इसका और पीछे ड्रम ब्रेक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर ड्रम दिया हुआ है। और चलिए स्कूटी के सामने से देखते हैं। और वैसे हम ओवरऑल देखें तो ये बहुत ही बल्की और प्रीमियम क्वालिटी लगता है। वैसे आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। सो अगर हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट में सबसे पहले दिया है हेलोजन हेडलाइट्स। हमने एक्सपेक्ट किया था कि LED मिल जाए, मगर ठीक है, चलता है। उसके साथ ऊपर आए तो हमें मिलता है यहाँ पे एक DRL टाइप, जो समथिंग टेस्ला जैसा फील आ रहा है, मगर है DRL। साथ ही साथ हेलोजन इंडिकेटर्स। चलो स्टार्ट करके हम DRL को दिखाते हैं। अभी ये रहा डैश में भी देख सकते हैं, उतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हमें स्विच गियर भी प्रीटी मच प्रीमियम क्वालिटी का ही मिल जाता है इस प्राइस में। इस साइड में देख लें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ बटन, और ये रहा इंजन स्विच। और ऐसा हम देखें इंडिकेटर्स को ऑन कर ले, देख सकते हैं हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाता है इसमें। और साथ ही साथ जो DRL है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है देखने। इस साइड का इंडिकेटर भी देख लेते हैं, ये भी सही है। और वैसे तो आपको पता है, ये है ब्रेक, और ये सामने का ब्रेक, पीछे का ब्रेक। और अगर हम अंदर की तरफ आ जाए तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख जाता है ये हुक। ये बहुत काम का हुक है, सब्जी वब्जी लेने में बहुत फ़ायदा है। और वैसे नीचे स्पेस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से सबका एकदम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फेक एयर वेंट्स दिए हुए हैं। वैसे तो दिखने में पता नहीं कैसा लग रहा है, पर सही है। और वैसे भी डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एजेस है, सो बहुत एजी डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पर भी कट है, यहाँ पर भी बहुत सारे एजेस बनाए हुए हैं। कुछ परेशानी हो सकती है सामान रखने में, जो ये वाला एज दिया है, मगर सावधानी थोड़ी बहुत सावधानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता शायद, मुझे लगता है। और की को देख ले तो हमें अच्छा, ये रहा इसका की भी बहुत बड़ा दिया है, अच्छा है, पॉकेट में बहुत अच्छे से फील होगा। और हमें अंदर जो मिल जाता है बेसिक, और इसका सीट ओपनर भी यहाँ पे दिया हुआ है की के साथ। सो स्टार्ट करके देखते हैं। ये रहा इसका स्पीडो में जो भी है सामने दिया हुआ है। और जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला इंडिकेटर है ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ का। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है FI का, जो इंजन का FI का एरर का सिग्नल है। और साथ ही साथ यहाँ पे हाई बीम लो बीम का सिग्नल भी मिल जाता है आपको, वो ऑन कर ले। ये रहा हाई बीम का सिग्नल, बस इतना ही हमें स्पीडो में मिल जाता है। स्पीडो में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं दिया, जो जो हमने बोला वही दिया हुआ है, और बस इतना ही है स्पीडो में। बेसिक, पूरा बेसिक सिंपल इंफॉर्मेटिव स्पीडो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। सो अभी पीछे की तरफ चलते हैं तो हमें मिल जाता है ऐसा, देखने में बहुत ही बल्की फील आ रहा है। और वैसे हम पीछे देखें, पीछे भी पूरा हेलोजन सेटअप दिया हुआ इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पर पीछे LED होता तो बहुत अच्छा होता। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट, यहाँ पर बैजिंग दिया हुआ है रे जेड आर का। यहाँ पे 125cc भी लिखा हुआ है, दोनों साइड बैचिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको सामने यहाँ पे यामा का लोगो सिंबल भी मिल जाता है लोगो। और साथ ही साथ इस स्कूटी में यामा का जो स्पेशल ब्लू कोल फीचर है वो भी दिया हुआ है। और पीछे में जो ग्रेवल मिलता है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा है। और पीछे कोई भी पिलियन बैठेगा उसको भी बहुत कम्फर्ट होगा, होल्ड करने में भी बहुत कम्फर्टेबल है, और बहुत ही बल्की दिया हुआ है। और इसमें हमें 90x90 12 इंच का टायर मिल जाता है फ्रंट में। और साथ ही साथ हमें सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है फ्रंट डिस्क के साथ। चलिए पीछे का टायर देखते हैं। पीछे बहुत ही वाइड टायर दिया हुआ है, और इसका जो साइज़ है 110x90 है, 10 इंच का टायर है। ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है स्कूटी को, और साथ ही साथ हमें लगता है कि रोड में भी बहुत अच्छा
प्रेजेंस स्कूटी का जो हैंडलिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, और हमें इसमें स्कूटी में यूरो ग्रिप का टायर मिल जाता है। और अगर पीछे का सस्पेंशन देखें तो यहाँ पे इसमें हमें स्प्रिंग लोडेड सिंगल साइड सस्पेंशन मिल जाता है पीछे, जो एक सिंगल साइडेड सस्पेंशन है, और सामने हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है स्कूटी के फ्रंट एंड को। और बस इतना ही, अब यह चलते हैं सीट के नीचे जो, और इसको खोलने के लिए हमें बस कीको डाल के इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा प्रेस करने से ही सीट खुल जाता है। और भाई थोड़ा हेल्प कर दे, जैसा हम पुश किया और यहाँ पे लॉक खुल गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस दिया, और 21 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। और एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा, फुल लेट को अंदर की तरफ दिए, ये एक्सटर्नल देने से बहुत अच्छा होता। और साथ ही साथ हम अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमें टूल किट मिल जाता है, टूल किट भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जो कि एक जगह में सेट रहेगा। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आराम से एक हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा, फुल फेस नहीं आएगा, स्मॉल साइज का फुल फेस हेलमेट भी आ सकता है। बस इतना ही है। जैसा कि हम देख रहे हैं स्कूटी चलने में बहुत ही स्मूथ है, साथ ही साथ इसका जो फुट रेस्ट का जो लेग रूम दिया है वो भी बहुत ही वाइड और कंफर्टेबल है। हर साइज के राइडर को स्कूटी चलाने में कंफर्टेबली आराम से चला सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें जो ब्रेकिंग और इनिशियल पिकअप मिल जाता है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। पावर फिगर्स की बात करें तो हमें मिल जाता है इसमें 8 BHP का पावर, और साथ ही साथ 9.7 Nm का टॉर्क। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस स्कूटी का, जो इसको बाकी सारे स्कूटी से अलग करता है, इसका कर्व वेट। इसका ओवरऑल वेट है 99 kg, जो बहुत ही कम वेट है। इस सेगमेंट का 125cc का सबसे लोअर वेट का स्कूटर यही है 99 kg का। इस स्कूटी में हमें एवरेज माइलेज मिल जाता है, जो कंपनी क्लेम कर रहा है वो है 66 kmph का। और इसी के साथ हमें मिल जाता है UBS ब्रेकिंग सिस्टम। और अगर हम बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइसेस के बारे में, तो इस स्कूटी में 3 वेरिएंट्स आता है, पहला है ड्रम, दूसरा डिस्क, तीसरा स्ट्रीट रैली एडिशन। सो पहले एडिशन ड्रम एडिशन का प्राइस है 68,000 अप्रोक्स एक शोरूम प्राइस, फिर डिस्क का प्राइस है 71,000, जो इसका टॉप वेरिएंट है स्ट्रीट रैली, उसका प्राइस है 74,000। और इसमें हमें कई सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। बहुत लोगों को कंप्लेन होता है कि उनको थोड़ा लाइट स्कूटी चाहिए, और साथ ही साथ लुक्स और परफॉर्मेंस भी थोड़ा मॉडर्न चाहिए। सो ये स्कूटी बहुत ही अच्छा है उन सब लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा प्राइस में भी थोड़ा उनको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो सारे फैक्टर्स ले ले तो हमें ये स्कूटी परफेक्ट है उन यंग एज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्कूटी का डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें टायर्स भी अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं, और पीछे का टायर भी अच्छा खासा वाइट दिया हुआ है। और ब्रेकिंग, लुक्स, सारे फीचर्स में ये स्कूटी मॉडर्न स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन के लिए बहुत ही अपीलिंग है। सो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कीजिए। सो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, वैसे भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ हमें जाके इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। सो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।